गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नारायण 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 22 अक्टूबर अपने दिल में ईश्वर को भर लो। सारी दुनिया में ईश्वर है। उखल बंधन लीला परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन श्रीमद् भागवत महापुराण के उखल बंधन लीला इस प्रसंग पर जो प्रवचन हुए थे बाद में उनका सुन के लिख लिया गया उनको और उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। यशोदा जी ने उनको उखल में बांध तो दिया पर भगवान तो कई कार्य करने हैं तो उनको ध्यान में आया कि नल कुबेर और मणिग्रीव धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले जो दो पुत्र थे बाद में रुद्रों के अनुचर भी वे बन गए यानी बहुत ऊंचा पद मिल गया तो मद में उन्मत्त होकर मदिरा पी रखी थी। गंगा जी का तट है अप्सराएं हैं नंग धड़ंग जल विहार हो रहा है उधर से नारद जी का गुजरना हुआ। अप्सराओं ने तुरंत देखा कि नारद जी आ रहे हैं कपड़े पहन लिए पर ये तो मदिरा में इतने उन्मत्त थे वैसे के वैसे ही खड़े रहे। नारद जी ने विचार किया मन ही मन कि इनका उद्धार होना चाहिए इतने मद में ये उन्मत्त हो गए हैं दोनों कि जो औपचारिकता है उसका भी अब ज्ञान नहीं रहा जबकि अप्सराओं ने कपड़े पहन लिए हैं ये तो पेड़ के जैसे वैसे ही खड़े हैं। बड़ा अपने हृदय में विचार करके कि कहीं मैं क्रोध से तो कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ देख लिया कि नहीं बिल्कुल मेरे हृदय में शांति है समत्व है अंतकरण में किसी प्रकार का रोष नहीं है तो इनका कल्याण होवे। कल्याण कैसे होगा जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा। नंद बाबा के घर के सामने ही क्योंकि वहीं कृष्ण अवतार लेंगे यमला अर्जुन के वृक्ष यमल और अर्जुन उन दोनों वृक्षों का नाम पड़ गया तो वही नल कुबेर को जो शाप दिया था तो उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन है कि कैसे नारद जी ने अपने चित्त को देखा कि वो बिल्कुल समत्व में है और उसमें जो क्रिया करी शाप देने की वो उनके उद्धार के लिए। बाद में भगवान ने देखा फिर उखल को घसीटते हुए और दोनों पेड़ों के बीच में से निकल गए उखल अटक गया और अब वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भले लीला कर रहे हैं बाल लीला। थोड़ा सा झटका दिया दोनों पेड़ गिर पड़े मूल सहित उखड़ के दोनों पेड़ गिर पड़े। इतने विशाल वृक्ष वहीं बच्चे खेल रहे थे देखा बच्चों ने कि इन्हीं के कारण ये दोनों पेड़ गिरे। तो यहाँ मुख्य जो
आज के प्रश्न में बात है वो हम लोगों के लिए महर्षि एक बहुत बढ़िया शिक्षा देने जा रहे हैं। नीचे से तीसरा पैराग्राफ, आत्मनिवेदन कर दो, जगत की घटनाओं में अपने चित्त को सम रखो और अपने को भगवान के प्रति निवेदन कर दो, यही संत का स्वरूप है। तो नारद जी के जीवन में तो संतत्व जो है वो सहज है, पर हम लोग जो साधन भजन कर रहे हैं उनके लिए महाराज कह रहे हैं जगत की घटनाओं में अपने चित्त को सम रखो। इसी ये जो वाक्य है इसकी व्याख्या करेंगे आज, और दूसरी बात अपने को भगवान के प्रति निवेदन कर दो, ये दो काम करने हैं। इससे क्या होगा कि जगत की घटनाओं से जब हमें विक्षेप नहीं होगा और अपने भगवान को अपने को भगवान के प्रति निवेदन जब कर देंगे तो ये हमारी साधना का स्वरूप है। प्रश्न उठा रहे हैं साधु कौन है, शीर्षक दिया अपने दिल में ईश्वर को भर लो, सारी दुनिया में ईश्वर है। एकदम अंतिम पंक्ति में, अंतिम पैराग्राफ में भागवत में ये लिखा है कि जब अपने पाँव में जूता है तो सारी धरती चाम से ढक गई है। कथावाचक लोग सुनाते हैं कि राजा को पाँव में कांटा गड़ गया, पैदल जा रहा होगा बिना जूते के, तो बड़ा नाराज हुआ। अब नाराज किस पे हो गए, पर उसने कहा कि पूरी धरती को चाम से चमड़े से ढक दो। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि धरती को चमड़े से ढकने की जरूरत नहीं है, आप जूता पहन लीजिए। तो भागवत में ये लिखा है कि जब अपने पाँव में जूता है तो सारी धरती चाम से ढक गई है, आया ध्यान में? तो अपने दिल में ईश्वर को भर लो, सारी दुनिया में ईश्वर है। संत करते क्या है, अपने दिल में ईश्वर को भर लेते हैं, अब उनको सब जगह ईश्वर दिखाई देता है। साधु कौन है, बोले कि उसके चित्त में संसार के लिए वैषम्य नहीं है। साधु में और हम लोगों में अंतर यही है, हम लोगों के चित्त में वैषम्य है। वैषम्य यानी जिनके प्रति हमारा प्रेम है उनके प्रति राग है, जिनके प्रति प्रेम नहीं है प्रतिकूलता है, उनके प्रति द्वेष है, इसे कहेंगे विषमता, वैषम्य। और समत्व क्या है, जिसमें राग द्वेष का कोई नामो निशान नहीं, उसे कहेंगे समत्व। भगवान ने पांचवें अध्याय में गीता में बताया कि इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्जुन, हे अर्जुन, इहैव तैर्जित सर्गो, यहीं पर मृत्युलोक में ही जिनके मन में समत्व आ गया मानो उन्होंने जीत लिया, यानी अब वो जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ेगा। सर्ग को जीतना मतलब अब कोई उसके लिए जन्म मरण नहीं है। क्या कर लिया उसने, साम्य स्थितम मना, जिसका मन समता में स्थित हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि सम जो है ये ठाकुर जी का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप भी है और सगुण स्वरूप भी है। निर्गुण स्वरूप का वेदांती लोग चिंतन करते हैं और सगुण स्वरूप जो है ठाकुर जी जब अवतार लेके आते हैं, तो जब तत्व का अवतार होता है
ठाकुर जी के रूप में, तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म है। दो चीजें ठाकुर जी के बारे में, स्वयं भगवान कृष्ण तो ठाकुर जी है, एक तो दोष, एक ही स्वरूप ऐसा है पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जिसमें कोई दोष नहीं है, वो कौन है? ईश्वर, निर्दोषम ही। और दूसरी बात, समम ब्रह्म है, समत्व है, विषम्य नहीं है। तो बोले कि साधु कौन है? उसके चित्त में संसार के लिए विषम्य नहीं है। जो विषमता नहीं है तो वो भी निर्दोष है। यानी तत्व रूप से साधु को हम देख रहे हैं, व्यक्ति रूप से, व्यक्ति रूप से जब हम देखेंगे तो हमको अपने चश्मे के अनुसार हमको उसमें दोष दिखाई देंगे। परंतु साधु जो है वो अपने को तत्व रूप से ही जानता है और मानता है, वो अपने को शरीर रूप से नहीं जानता मानता है। तो शरीर में जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं गुण या दोष, वो तो सब ठाकुर जी की लीला है। तो जैसे ठाकुर जी में एक यहाँ आनंद रत्नाकर में पृष्ठ आया है, उस पृष्ठ में मुझे लगता है पिछले महीने महर्षि ने समझाया कि हम लोग जो जन्म लेते हैं वो अपने कर्मों के कारण, ठाकुर जी जो अवतार लेते हैं वो अपने लीला से, माया से। तो कर्मों के कारण जो जन्म लेता है अज्ञानी जीव, उसमें तो ये सब गुण दोष रहते हैं, पर जो माया से लीला से अवतार लेते हैं ठाकुर जी, तो वो तो अपने आनंद के लिए। तो इसलिए साधु कौन है? महर्षि कह रहे हैं, बोले कि उसके चित्त में संसार के लिए वैषम्य नहीं है। तो साधु ने गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से वो गुणातीत स्थिति प्राप्त कर ली, अपने को तत्व रूप से जान लिया। अब उसके शरीर को जब तक ठाकुर जी को रखना है और जो भी उससे काम लेना है वो ले रहे हैं, और इसीलिए हम अपनी दृष्टि से ही उसमें गुण दोष देखते हैं। बाकी साधु जो है उसमें और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति दर्शन में एक सूत्र है, तस्मिन यानी ईश्वर में और तज्जने यानी ऐसी जो ईश्वर कोटि के साधु हैं, भेद अभावात, उसमें कोई भेद नहीं है, भेद का अभाव है, अभिन्न है। जो ठाकुर जी हैं वही साधु हैं, जो साधु है वही ठाकुर जी है। नाभा जी ने भक्तमाल के मंगलाचरण में कहा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। वपु यानी स्वरूप, स्वरूप चारों का एक ही है, सच्चिदानंद अद्वैत तत्व जो है वही स्वरूप है। तो स्वरूप तो हमारा भी वही है, उन्होंने इस स्वरूप को जान लिया है। भक्त ने, मैंने बताया तुलसीदास जी का चित्र है, भक्ति का चित्र दिया है, और नीचे भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तुलसीदास जी के इष्ट राम जी भगवंत, और तुलसीदास जी के गुरु जी रामानंद जी, चार चित्र दिए हैं इस मंगलाचरण को समझने के लिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तो वहाँ तुलसीदास जी की जगह महाराष्ट्र को रख दो, उड़िया बाबा को रख दो, धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज को रख दो, जो भी साधु है, नारद जी का प्रसंग चल रहा है, नारद जी को रख दो। तो उसका परिचय महर्षि दे रहे हैं शुरू के वाक्य में, कि साधु कौन है जिसने वो स्वरूप जान लिया है कि ये स्वरूप रूप से मैं हूँ और ये जो है ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो जो कार्य लेना है ठाकुर जी को उसके लिए अब ये शरीर चल रहा है। इसी को आगे कहेंगे महर्षि। शुरू में मैंने नीचे से तीसरी पंक्ति पढ़ी थी,
अपने को भगवान के प्रति निवेदन कर दो। आत्मनिक्षेप, शरणागति के जो 6 लक्षण हैं उसमें से पांचवा लक्षण है आत्मनिक्षेप, अपने को भगवान के प्रति निवेदन कर दो। बस काम पूरा हो गया। तो ये निवेदन करना ये कोई मामूली बात नहीं है। निर्वासन, जब तक सब कामनाएं और वासनाएं समाप्त नहीं हो जाती, कामनाओं वासनाओं का समूल उच्छेद यानी ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति से ही, ज्ञान क्या है उसकी उपमा गीता में अग्नि से दी है भगवान ने। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते अर्जुन, जितने हमारे कर्म हैं, संचित कर्म, आगामी कर्म, ये जितने कर्म हैं उन सबको जला देती है ज्ञान की अग्नि। प्रारब्ध कर्म से शरीर चल रहा है साधु का, तो प्रारब्ध कर्म में ठाकुर जी उससे अब जो काम करवाना चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। ये बात हमको कब समझ में आवेगी? जब हमारी श्रद्धा बनेगी। अगर हमारी श्रद्धा साधु में नहीं है तो हमको अपने ही जो गुण दोष हैं, हम हरे रंग का चश्मा पहने हैं तो हमको सब हरा दिखाई दे रहा है, तो हमारे जो राग द्वेष वाला चश्मा है उस चश्मे से हम दुनिया को देख रहे हैं, तो इसलिए दुनिया में वही चीज़ें हमको दिख रही है जो हमारे हृदय में है। हमारे मन में पाप है, दूसरा व्यक्ति साधु है पर हमको पापी लगता है। वहाँ कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल ईश्वर स्वरूप ही है, पर हमारा जो पाप है वो पाप हम उसमें देख रहे हैं। साधु कौन है? बोले कि उसके चित्त में संसार के लिए वैषम्य नहीं है। अब ये दृष्टांत साधु का क्यों देते हैं कि हमको ऐसा बनना है। कैसे बनेंगे? सुनो, कोई आवे कोई जाए, कोई मरे कोई जिए, जैसे दिन आता है और जाता है, रात आती है और जाती है। अब हमको कहाँ आश्चर्य होता है, दिन और रात जो चल रहे हैं उसमें हम कोई प्रश्न थोड़ी उठाते हैं। तो ऐसे ही कोई आवे कोई जाए, कोई मरे कोई जिए, काल के अवयव जैसे स्वभाव से आ जा रहे हैं। 2019 बीतने जा रहा है, 2020 आ जाएगा। एक दृष्टांत देते हैं महर्षि। देखो, हमारे हाथ हिलाने से पूर्व, हमारे हाथ हिलाने से कोमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे बदलते जा रहे हैं। तो हाथ यहाँ था तब तक समझो इधर का पूर्व इधर का पश्चिम, अब इधर ले आए हाथ तो ये जो पश्चिम था वो पूर्व हो गया, है ना। तो हाथ जैसे जैसे हिलाते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे बदलते जा रहे हैं। और अच्छा, ये दृष्टांत मतलब दूसरा ले लो, मिनट मिनट बदलता जा रहा है। हम लोग बैठे, शुरू किया समझ लो 5:45 से, अब 6 बजने में 2-3 मिनट बाकी है, तो मिनट मिनट बदलता जा रहा है। तो ये दो दृष्टांत दिए इसलिए कि हम दुनिया के स्वरूप को समझ सकें। तो दुनिया का स्वरूप क्या है? ऐसी सारी दुनिया ऐसे ही, जैसे दो दृष्टांत दिए ऐसे ही सारी दुनिया चरखे की तरह घूम रही है, सचमुच में घूम रही है। अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। सूर्य स्थिर है, सूर्य के सामने जो भाग आता है वहाँ दिन हो जाता है, जो भाग पीछे की ओर चला जाता है वहाँ रात हो जाती है। हम लोग अभी सोए थे, सूर्य के सामने भारत का वो हिस्सा था, है ना, मतलब पीछे की ओर थे, अमेरिका वगैरह सूर्य के सामने थे, अब भारत सामने आ गया और अमेरिका वगैरह वो पीछे चले गए, अब वहाँ रात हो गई, हमारा दिन हो गया। तो ये तो एक धुरी, 24 घंटे में एक चक्कर अपनी धुरी पे पृथ्वी लगाती है, और 365 दिन में सूर्य की पूरी परिक्रमा लगा लेती है।
दो गतियां चल रही है पृथ्वी की, तो सारी दुनिया चरखे की तरह घूम रही है। उसको ईश्वर ने एक बार घुमा दिया है, यह मनुष्य के रोकी रुकती नहीं। तो यहाँ इसकी अपनी गति को छोड़िए, इस दुनिया में जो और बातें हो रही हैं उसके बारे में महर्षि कह रहे हैं कि वो जो है उनका भी एक, जो भी ठाकुर जी का पहले से ही नियत किया हुआ है वैसे ही ये चल रहा है। और उसमें फिर क्या होता है, इसमें दुखी वह होता है जो उसको पकड़कर रोकना चाहता है। रुकेगा तो कुछ नहीं, रोकने वाले का हाथ ही टूट जाएगा, यही इसका नियम है। ये बात महर्षि की समझ में नहीं आई तो महर्षि दृष्टांत द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। बाप लाख कहे कि बेटा, हम जैसे चौके में बैठकर खाते थे तुम भी वैसे ही खाओ, बेटा नहीं मानेगा। कल कोई सुना रहे थे, हाँ एक महात्मा जी आए हुए हैं ज्ञानानंद जी, बड़े विद्वान हैं, सुना रहे थे कि हमने ऋषिकेश में, हमारे परिचित थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये ग्रंथ हमको पढ़ा दीजिए। तो एक दूसरा वहीं ऋषिकेश का, तो उसने भी इच्छा की, अब उसको देखिए संस्कार ही नहीं है, आ गया पाठ में और जूता पहन के बैठा है। महात्मा जी ने मना कर दिया, बोले हम नहीं पढ़ाएंगे, ये जूता पहन के कैसे अंदर आ गया। खैर उसको फिर उसने समझाया मित्र ने, परंतु क्या कह रहे महर्षि, बाप लाख कहे कि बेटा, हम जैसे चौके में बैठकर खाते थे तुम भी वैसे ही खाओ, बेटा नहीं मानेगा। तो यह तो बहती हुई दुनिया है, इसको मुट्ठी में करने की कोशिश मत करो। अपने से जो बनता है, अपना जो मानते हैं, उनको अपने शासन में लाओ। बाकी अगर ये सोचोगे कि हम सबको ठीक कर देंगे तो वो बनेगा नहीं, इसका मजा लो। तो दुनिया में रहने का तरीका सिखा रहे हैं, है ना, अपने को दुखी नहीं करना है, इसका मजा लो, इसका तमाशा देखो। ये सिनेमा के चित्रपट हैं, बदलते जा रहे हैं। अतएव दुनिया की ओर से अपने चित्त को सम कर दो, होनी होवे सो हो रे। हमेशा जब भी महर्षि के उपदेशों को या किसी भी महापुरुष के उपदेशों को सुने, दो बातें ध्यान में रखना। अध्यात्म में जो लोग लगे हुए हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमको भगवत प्राप्ति हो, आत्म साक्षात्कार हो, उनके लिए ये प्रवचन है। जो संसार में हैं, जिनको संसार में बहुत कुछ करना है, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। क्यों, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। दुनिया की ओर से अपने चित्त को सम कर दो, होनी होवे सो हो रे। ये होनी होवे सो हो रे, ये कौन कह सकेगा, है ना। ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी महाराज, कई बार मैंने यहाँ कहा, स्वामी गिरीशानंद जी ब्रह्मचारी जी थे उस समय, उन्होंने स्वयं रामानंद जी ने कहा कि नर्मदा जी को भागवत सुनाइए। उनके लिए नर्मदा जी कोई नदी नहीं है, महापुरुषों के लिए गंगा जमुना ये सब है ना, चैतन्य है। यही उनका वाक्य था कि नर्मदा जी को भागवत सुनाइए। प्रोग्राम बना, हम भी गए थे। उन्होंने बताया कि स्वामी जी हमने दो सूत्र बना रखे हैं, अपने को हमेशा मन में शांति बनी रहती। उसमें पहला सूत्र यही था जो अभी महर्षि बता रहे हैं। जगत में कोई भी घटना घटती है, कोई भी कुछ हमको आके कहता है कि स्वामी जी ऐसा हो गया, हम कहते हैं छोड़ो, जगत में ऐसा ही होता है। क्या कह रहे हैं महर्षि,
कह रहे हैं कि दुनिया की ओर से अपने चित्त को सम कर दो। साधु बनने के लिए क्या करना होगा वो महर्षि आज के प्रश्न में बता रहे हैं, होनी होवे सो हो गए। दूसरा सूत्र क्या बताया, सब महादेव की लीला है। दो सूत्र हमने बना रखे हैं, हमारे मन में शांति बनी रहती है। कोई भी जगत की घटना हमारे सामने आवे या लाई जाए, हम कहते हैं छोड़ो, जगत में ऐसा ही होता है। और दूसरा सूत्र है, सब महादेव की लीला है। वो अपना आनंद ले रहे हैं महादेव, तो इसलिए महर्षि ने कहा इसका मजा लो, इसका तमाशा देखो। ये सिनेमा के चित्रपट हैं, बदलते जा रहे हैं, है ना। महादेव की लीला है तो फिर हमको क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि दुनिया की ओर से अपने चित्त को सम करना पड़ेगा। ये जो वैषम्य है हमारे में, राग द्वेष जो हैं, उनको शिथिल करना पड़ेगा। जितने राग द्वेष दृढ़ होंगे उतना ही कष्ट देंगे, समता में आ ही नहीं सकता चित्त। तो इसलिए बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि दुनिया की ओर से अपने चित्त को सम कर दो, है ना। प्रथम वाक्य जो है उसी की व्याख्या है, साधु कौन है, बोले कि उसके चित्त में संसार के लिए वैषम्य नहीं है। होनी होवे सो हो रे, किसी को मरने से रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं। किसी को जाने से रोक नहीं सकते, परसों जा ही रहे हैं दो महापुरुष। किसी को बदलने से रोक नहीं सकते, तो उधर से अपना ध्यान जरा सम रखो, आग्रह सम रखो। भगवान के चरणों में अपने आत्मा का निवेदन कर दो। कैसे करें महाराज, नहीं मानता मन, बोले इसका तरीका यही है, क्योंकि ठाकुर जी के हाथ में है सब, जितनी घटनाएं हैं, तो इसलिए अपने को उनके प्रति समर्पित कर दो। हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ, जैसी तुम्हारी मौज हो वैसे रखो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बहुत सुंदर पद है, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। परमार्थ निकेतन में सुबह जो प्रार्थना होती है उसमें ये पद बोला जाता है। गंगा किनारे रखे तो गंगा किनारे, समुद्र किनारे रखे तो समुद्र किनारे, पहाड़ पर रखे तो पहाड़ पर रहो, जो थारी राय सो म्हारी राय, प्रलय करो तो प्रलय, सृष्टि करो तो सृष्टि। आत्मनिवेदन कर दो, जगत की घटनाओं में अपने चित्त को सम रखो और अपने को भगवान के प्रति निवेदन कर दो, यही संत का स्वरूप है। जहाँ से शुरू किया था साधु कौन है, तो उसी को यहाँ व्याख्या करके यही संत का स्वरूप है। अब अंतिम दो पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं, ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसमें बताएंगे कि हम जो क्रियाकलाप करते हैं उसमें और साधु के द्वारा जो क्रियाकलाप हम देखते हैं उसमें क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। संत को जो प्रेरणा आती है वह बाहर देखकर भीतर प्रेरणा नहीं आती है, बाहर की घटनाओं को देखकर और अंतःकरण का परिचालन, यह पौरुषेयता के द्वारा अंतःकरण का परिचालन है। यहाँ रुक जाइएगा, दो पंक्तियों को पहले ध्यान से सुन के समझने का प्रयास करिए। महर्षि क्या कह रहे हैं कि संत को जो प्रेरणा आती है वह बाहर देखकर भीतर प्रेरणा नहीं आती है। आगे समझाएंगे कि फिर उसको कैसे प्रेरणा आती है। पहले सामान्य लोगों की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये जो परमात्मा है वो हम सबके हृदय में बैठा है, पर संत में और हमारे में अंतर क्या है,
वहां निरावरण है, यहां मानो घूंघट डाल के बैठा है। परमात्मा हमारे हृदय में भी है, संत के हृदय में भी है, वहां कोई घूंघट नहीं है, निरावरण है परमात्मा। इसीलिए महात्माओं को ठाकुर जी की कक्षा में रखते हैं कि वो ठाकुर जी अभिन्न है, तस्मिन तज्जने भेदा भावात। अब ये जो आवरण है, तो आवरण के कारण हम लोगों की जो क्रियाकलाप होंगे, तो बाहर की स्थिति, बाहर का जो है, उसी को हम अध्ययन करके कि भाई ये करने से ऐसा हो गया, ये करने से ऐसा हो गया, तो उसके आधार पे हमारी क्रिया होगी। संत को जो प्रेरणा आती है वह बाहर देखकर भीतर प्रेरणा नहीं आती, इसको आगे समझाएंगे, पहले हम लोगों की बात बता रहे हैं। बाहर की घटनाओं को देखकर और अंतःकरण का परिचालन, यह पौरुषेयता के द्वारा अंतःकरण का परिचालन है। यानी पौरुषेय का मतलब मेरे द्वारा, मैंने ये देखा ये व्यक्ति इस प्रकार से दुष्ट है, तो मैंने अपने को हटा लिया। अब वही व्यक्ति संत के सामने भी आता है, उड़िया बाबा के सामने डाकू अपनी बंदूक अलग करके और उनको प्रणाम किया और बोला कि आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी बंदूक को अलग करके प्रणाम किया है, यानी हमेशा मैं इसको अपने साथ रखता हूँ। संत के सामने वो दुष्ट आया है ना, पर संत के इसमें निरावरण ब्रह्म है, निरावरण ठाकुर जी हैं, वहाँ ये जो है इसका भी हृदय बदल जाता है। तो हमारी जो स्थिति है, हम देखेंगे बाहर ये व्यक्ति हमको नुकसान करेगा, तो नुकसान करेगा तो हम बचने की कोशिश करेंगे, इसको कहेंगे पौरुषेय, यानी हमारी जो बुद्धि है उसके अनुसार हम अपने अंतःकरण का परिचालन करते हैं। सबकी बुद्धि अलग अलग है। तो ये तो हो गया हमारी आपकी कथा, और भीतर से ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की प्रेरणा से अंतःकरण का परिचालन, यह अपौरुषेय वैदिक प्रेरणा है। लोटीराम बाबा के सामने शेर आया, कुछ नहीं, बोले ठीक है, अगर वहाँ से हुक्म आ गया है तो आ जाओ, यहाँ तो बहुत मालताल है। रोटीराम बाबा के शब्द हैं, गिरीशानंद जी सुनाते हैं। बोले वहाँ से हुक्म आ गया है अगर तेरे को, तो आ जाओ खा लो। देख के लौट गया। भीतर से ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की प्रेरणा से अंतःकरण का परिचालन, यह अपौरुषेय वैदिक प्रेरणा है। इसका अर्थ क्या हुआ? माने जो अपने संस्कार और विकार से अतीत है, उसके प्रभाव मात्र से जो प्रकाशित हो रहा है। संस्कार और विकार से अतीत कौन है? ठाकुर जी। तो उसके प्रभाव मात्र से जो प्रकाशित हो रहा है, जो जगमग जगमग ज्योति जल रही है, वह संत का अंतःकरण है। अंत में महर्षि कह रहे हैं, बाहर का असर चित्त पर मत पड़ने दो। यानी साधना करने वाले को ये करना पड़ेगा। वो चाह रहा है ना कि हमको भगवान के दर्शन होवे, हमको भगवत प्राप्ति होवे। परमेश्वरानंद जी ने बताया ना कि भाई भगवान को तुम बुला रहे हो, पर भगवान को बैठाओगे कहाँ? जब इतना कूड़ा करकट हृदय में भरा पड़ा है, इतनी गंदगी है, वहाँ तो भगवान आ नहीं सकते। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, बाहर का असर चित्त पर मत पड़ने दो और अपना दिल ठंडा रहे तो दुनिया ठंडी है। भागवत में ये लिखा है कि जब अपने पांव में जूता है तो सारी धरती चाम से ढक गई है। आया ध्यान में?
तो अपने दिल में ईश्वर को भर लो, सारी दुनिया में ईश्वर। श्री राम जय जय।